फ्रेंड्स, बीवी फॉर बिगनर सीरीज में हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक्सेल शीट में डेवलपर टैब को कैसे ऐड करते हैं, बीवी में मॉड्यूल को कैसे इंसर्ट करते हैं और कोडिंग के बेसिक के बारे में जाना था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोड से पहले कमेंट टाइप करने का क्या पर्पस होता है, हम बीवी में कोडिंग के द्वारा कैसे वर्कबुक और वर्कशीट का सिलेक्शन करते हैं, और अगर एक्सेल शीट में किसी भी सेल में कोई इनपुट देना है तो कैसे इसको दे सकते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम बी बी ए विंडो को ओपन करना सीख चुके हैं, इसको हम अल्ट F11 से ओपन कर लेते हैं। तो मैंने अभी बी बी ए विंडो को ओपन कर लिया है। इसके बाद एक मॉड्यूल को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट में जाके हमने मॉड्यूल को भी इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद हम टाइप करेंगे सब और यहाँ पे लिखेंगे बी बी ए लेसन 3। तो मैंने कोड का नाम दिया है बी बी ए लेसन 3। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले कमेंट को टाइप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो कमेंट को टाइप किया हुआ है। तो पहला कमेंट है सिलेक्शन ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट। कमेंट को जब भी हम टाइप करते हैं तो अपोस्ट्रोफी अप्लाई करते हैं और वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाता है। दूसरा कमेंट मैंने दिया है अपोस्ट्रोफी देके टू गिव इनपुट इन एक्सेल सेल। तो कमेंट देने का पर्पस इतना ही रहता है कि हम जो भी कोड टाइप कर रहे हैं तो हमको पता लग सके कि हमने वो कोड किस पर्पस से टाइप किया हुआ है। तो ये केवल हमारे रेफरेंस के लिए होता है, इसका कोडिंग से कोई भी मतलब नहीं होता है। अब हमने जो कमेंट टाइप किया हुआ है, जो हम कोड यहाँ देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कोड को अप्लाई करेंगे। हमको वर्कबुक और वर्कशीट का रेफरेंस लेना है, तो हम इसको कैसे लेते हैं, तो टाइप करेंगे दिस वर्कबुक, इसके बाद डॉट लगाएंगे और यहाँ पर सीट टाइप करेंगे। तो सीट को टाइप करेंगे तो हमें सीट लेना है। दिस वर्कबुक हमने ले लिया है, अब हमको सीट लेना है। तो सीट में हम कौन सा सीट लेना चाहते हैं, तो ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स मांग रहा है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी सीट है, हमको सीट 2 सिलेक्शन करना है। हमने वर्कबुक का सिलेक्शन कर लिया है, यानी दिस वर्कबुक हमारा ये हो गया है। इसके बाद हमें दिस वर्कबुक में हमारे पास सीट 1 आ रहा है, सीट 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंडेक्स में सीट 2। हमको सीट 2 रेफरेंस लेना है, तो हमने यहाँ पे सीट 2 टाइप कर लिया है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। सीट 2 टाइप करने के बाद हम डॉट लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे रेंज, कि हमें रेंज क्या लेना है। तो हमने यहाँ पे टाइप किया है रेंज। तो सीट 2 के अंदर हमको कौन सी रेंज लेनी है, इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो रेंज हमारे पास कौन सी रेंज हो सकती है, हम एक्सेल शीट में अपने आते हैं देखते हैं। तो रेंज के लिए हम यहाँ पे D2 कॉलम को रेंज ले लेते हैं। कोई भी रेंज ले सकते हैं, जिस सेल में हमको इनपुट देना है वो सेल का हम सिलेक्शन करते हैं। तो मुझे अभी D2 रेंज में कोई भी इनपुट देना है, तो मैं D2 रेंज का सिलेक्शन कर लेता हूं। तो यहां पे हम टाइप करेंगे और कोटेशन मार्क देके D2 कोटेशन मार्क देके हम रेंज को बंद कर देंगे। इसके बाद हम डॉट प्रेस करेंगे। अब हमने रेंज का सिलेक्शन किया है, अब हमको उस रेंज में क्या इनपुट देना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को टाइप करेंगे। वैल्यू को टाइप करने का इक्वल टू प्रेस करेंगे, हमको थैंक यू का एक मैसेज देना है, यानी हमको थैंक यू इनपुट यहाँ पे टाइप होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे टाइप किया थैंक यू। आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, कोई भी इनपुट दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। कोटेशन मार्क को हमने बंद किया हुआ है। इसके बाद हम कोड को सेव करेंगे। हमने अपना कोड को सेव कर लिया है, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारी एक्सेल शीट यहाँ पर है, तो D2 रेंज में यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो इसको हम यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। अब हम अपनी एक्सेल शीट में जाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैसेज यहाँ पे टाइप हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम BVA के बेसिक के बारे में सीख रहे हैं, और जो मैंने यहाँ पे कोड आपको बताया हुआ है, ये बहुत ही बेसिक सा कोड है। जब भी हम कोई भी एक्सेल शीट का सिलेक्शन करते हैं और एक्सेल शीट के अंदर हमको कोई पर्टिकुलर शीट के अंदर किसी भी रेंज में वैल्यू को देना होता है, तो हम उसको कैसे दे सकते हैं, तो इस कोड के द्वारा हम उसका सिलेक्शन करते हैं। हमने यहाँ पे लॉजिक आपको बताया हुआ है। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम BVA के एडवांस यूज के बारे में सीखते जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।